हेलो, आप देख रहे हैं ऑल इन वन इंस्ट्रक्शन। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन से एटीएम में पैसा है और कौन से एटीएम में पैसा नहीं है और कौन से एटीएम में पैसा डलने वाला है। हाँ जी, तो ये फिलहाल नौबत इसी वजह से आई क्योंकि मोदी साहब ने 1,000 और 500 के नोट बंद करवा दिए हैं, तो आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से शायद हमने ये वीडियो बनाया हूँ, शायद आपको पसंद है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, एक बार तो बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर किसी को अच्छे साबित हो तो उसको भी मतलब सेंड कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं। आप अगर चाहते हो कि उसका मतलब पता चल जाए कि एटीएम में कौन से पैसे हैं उसके, इसलिए उसको सेंड कर दीजिएगा। ये देखिए, गूगल आ गया, गूगल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, गूगल पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें सर्च करना है। ये देखिए, मैंने पहले सर्च किया हुआ था, ये कैश NoCash.com। ठीक है, तो क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, फाइंड आउट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको भेज देगा ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप जहाँ रहते हो जिस एरिया, जैसे कि कानपुर में रहते हैं, कानपुर पनकी में रहते हैं, तो पनकी का पिन कोड डालिएगा। ठीक है, ये नहीं कि कानपुर घुमाइए पूरा, तो हम पनकी का पिन कोड रहते हैं। जैसे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में कौन से रहते हो उसका पिन कोड डालिएगा। ठीक है, तो हम पनकी का पिन कोड डालते हैं 20 80 20। ठीक है, तो फाइंड आउट कैश कर देते हैं। अब ये थोड़े में बता देगा कौन से एटीएम में पैसे हैं और कौन से एटीएम में पैसे नहीं हैं। जी, तो देखिए, ये स्टेट बैंक एटीएम में पैसे हैं, ये इलाहाबाद बैंक में पैसे हैं, ब्रांच पंकी में पैसे हैं। ठीक है, ये देखिए वेट, जिसमें वेट लिखा हुआ है इसमें पैसे डलने वाले हैं, और इसमें नो कैश लिखा, उसमें कैश नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ICICI एटीएम में पैसे हैं। ठीक है, देखिए वेट बता रहा है इसमें, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर पैसे हैं आप वहाँ पर जाकर पैसे कैश निकाल सकते हैं, और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फेस करनी पड़ेगी, वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़। अगर वो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा ना मत करिएगा। ठीक, कोई बात नहीं, ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो शायद पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब किसी की हेल्प करनी है तो वीडियो सेंड कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए, बाय।